I thought of Babu because whenever we came to Nani's house, he never accompanied us. मैं बाबू के बारे में सोच रही थी क्योंकि जब भी हम नानी के घर आते थे वो हमारे साथ नहीं आता था. And as soon as we arrived, Ma would be lost in the company of Masis, Mamis, Nani and old maid servants. जैसे ही हम लोग घर पहुंचते थे, Ma जो है फिर मासी, मामी, नानी और जो पुरानी maid servants थी उनके जो है साथ में मिक्सअप हो जाती थी, हमें भूल ही जाती थी. If you tried going near her during the day, someone or the other would say, let the poor thing have some rest, at least while she is here. अगर हमने से कोई भी जो है उनके पास जाने की कोशिश करता था, तो उसमें से एक ने एक कोई कहता था कि अरे बेचारी को थोड़ा तो आराम कर लें तो जब तक वो यहाँ है. Ma too would put on a pathetic act as if we always harassed her at home. तो Ma जो है वो भी अपना ऐसे चेहरा बना लेती थी और ऐसा करती थी जैसे मानो हम घर में उन्हें कितना परेशान करते हैं. I felt disgusted at the thought of entering Nani's house, so I deliberately loitered near the bushes. अब मुझे जो है बहुत अजीब लगता था, बुरा लगता था कि हमें नानी के घर जाना होगा और इस वजह से मैं जो हूँ वही बाहर जो झाड़ियाँ हैं उनके आसपास घूम रही थी. Then I heard someone mentioning my name inside the house and saying, now where has she disappeared? तभी मुझे आवाज सुनाई दी कि जैसे घर में से किसी ने मेरा नाम पुकारा है और वो कह रहा है अब ये कहाँ चली गई. I entered the house along with the dog and saw Nani sitting with Mama's son on her lap. जब मैं जो हूँ घर के अंदर पहुंची डॉग के साथ, तो नानी को देखा कि वो जो है मामा के लड़के के साथ बैठी हुई है और जो लड़का है वो उनकी लैप पे यानी गोदी में बैठा हुआ है. As soon as she saw the dog, she shooed it away because to all her and all animals were as untouchables. जैसे ही उन्होंने कुत्ते को देखा उन्होंने इतनी जोर से उस कुत्ते को हटाया जैसे मानो सारे के सारे जानवर जो है वो बिल्कुल अछूत है. द डॉग यूज्ड टू बी रिमेंडेड टर्न्ड इट्स टेल बिटवीन इट्स लेग एंड वेंट आउट. अब ये जो डॉग था ये जो है ऐसा लगा जैसे एकदम से वो भी जो है झिड़का उसको तो वो भी जो है थोड़ा सा घबरा गया, उसने अपनी दुम जो है दोनों पैरों के बीच में दबाई और चला गया. I was told to bend down and touch Nani's feet. मुझे बोला गया कि झुककर नानी के पैर छुओ. Someone from the family said, not like that, bend properly. किसी ने कहा फैमिली मेंबर में से अरे ऐसे नहीं पूरी तरह झुको. You are born a girl and you will have to bend for the rest of your life. So you might learn as well learn. तो उन्होंने कहा अरे तुम तो लड़की हो और अब तो तुम्हें पूरी जिंदगी झुकना ही है तो तुमको लर्न भी करना पड़ेगा कैसे झुकना होता है. नानी ब्लेस्ड मी बाय वेविंग हर हैंड ओवर माय बोर्ड बैक एंड सेड, दिस गर्ल हैजंट ग्रो टॉलर, हु वुड बिलीव शी इज 8 इयर्स ओल्ड. अब नानी ने जो है मेरे को आशीर्वाद देते हुए कहा, अपना हाथ सिर जो है मतलब मेरा जो पीठ थी उस पर अपना हाथ रख के कहा, ये लड़की जरा सी भी लंबी नहीं हुई, कौन कहेगा कि ये 8 साल की हो गई है. ओह व्हाट अ न्यूसेंस दिस इज, माँ kept complaining. अब माँ कहती हैं, अब ये क्या मजाक है. The old lady from the neighborhood who had come to see Ma told Nani, this time Lali will definitely have a boy. Just look at her complexion. When she was expecting the girls, it was pink, but now it has tinge of yellow. So I am sure it will be a boy this time. तभी एक old lady जो है, वो पड़ोस से आकर जो कि माँ को देखने आई थी, वो नानी से बोलती हैं, इस टाइम लाली के जो है पक्का लड़का होगा. उसका कॉम्प्लेक्शन तो देखो यानी उसका चेहरे का रंग तो देखो, जब लड़कियां होने वाली थी तब गुलाबी था, अब उसमें हल्का सा पीलापन है, तो इसका मतलब इस बार लड़का ही होगा. Who knows, perhaps even this time, mourned Ma as she put on a pathetic expression and began paring her nails. अब जो माँ थी उन्होंने फिर एक अजीब सा जैसे हमदर्दी भरा एक्सप्रेशन जो है वैसा चेहरे पे ले आई और बोली पता नहीं इस बार क्या होगा और फिर अपने नेल्स को जो है वो क्लीन करने लगी. Is there anyone to cook for your husband? Asked the old lady. तो वो जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने पूछा तुम्हारे घर पे हस्बैंड को खाना पकाने के लिए इस वक्त कोई है. Her question set me thinking about Babu, how good he smelled and the softness of his lap. अब उनका ये सवाल सुन के मेरे दिमाग में बाबू का ख्याल आया कि उनके कितना अच्छा लगता है और जब उनकी जो गोद में जब सिर रखते हैं तो कितना अच्छा लगता है. पर हम जब यहाँ when how when we came here, Ma did not allow us to lie in her lap for too long and complain. पर जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो माँ ने एक बार भी जो है सिर गोदी में रखने को नहीं दिया क्योंकि वो कंप्लेन कर रही थी, oh my bones are aching, my sari is all crushed. वो बार बार कह रही अरे मेरी हड्डियां दर्द हो रही हैं, मेरी साड़ी घुमट जाएगी, get up now, उठो उठो उठो, I have to such a lot of work to do and to top it all there is a huge nuisance, come on get up. और ऊपर से वो ये भी कह रही थी मेरे को इतना सारा काम करना है
और फिर ये भी तो है और चलो चलो उठो उठो. नानी फोल्डेड हर हैंड्स एंड प्रेड, ओ गॉडेस प्रोटेक्ट माई ऑनर, एट लीस्ट दिस टाइम लेट हर टेक अ सन बैक फ्रॉम हर पेरेंट्स होम. एट द एंड ऑफ द प्रेयर शी ड्राइड हर टीयर्स विद हर पल्ला. अब नानी ने जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे भगवान इस बार मेरी इज्जत रख लेना, एटलीस्ट इस बार तो जो है लड़का हो और वो यहाँ से अपने घर से लड़के को लेकर जाए. बाद में जब उन्होंने प्रेयर खत्म कर ली तो अपने जो आंसू थे उन्होंने पल्ले से पोंछ लिए. फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आईज आई कुड सी दैट माई सिस्टर्स वर फास्ट एस्लीप. अब मैंने जब अपनी तिरछी निगाहों से देखा तो मेरी जो दो सिस्टर्स थी वो सो रही थी. ऑल द लाइट्स हैड बीन स्विच्ड ऑफ एंड द रूम वाज फ्लडेड विद मूनलाइट. सारी लाइट्स जो थी वो बंद हो चुकी थी और कमरे में जो है चांदनी जैसे फैली हुई थी. तुलसा दाई वाज अप्लाइंग ऑयल टू द सोल्स ऑफ माय फीट एंड सेइंग इफ इट्स अ बॉय दिस टाइम आई विल डिमांड अ सारी विद स्टेनलेस स्टील जरी. तुलसा दाई जो है जो कि माँ के पैर के जो सोल होते हैं तलवे होते हैं उसमें तेल लगा रही थी और कह रही थी कि अगर इस बार लड़का हुआ तो मैं जो हूँ तुमसे एक साड़ी लूंगी जिसपे जो है स्टील की जो जरी होती है उसका काम होना चाहिए. इफ आई हैव अ बॉय दिस टाइम देन आई विल बी रिलीव्ड ऑफ दिस बर्डन फॉर एवर शी टेल्स तुलसा दाई एंड देन एड्स. अब अगर इस बार लड़का हुआ तो मैं भी जो हूँ इस प्रेगनेंसी से छुटकारा पा जाऊंगी, मतलब फिर मेरे को आगे प्रेगनेंट नहीं होना पड़ेगा. उन्होंने तुलसा दाई से कहा और फिर और कहा यू कैन गो होम नाउ योर चिल्ड्रन मस्ट बी वेटिंग फॉर यू. अब आप घर जाएं, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे. बी श्योर यू पुट द ऑयल वेसल अंडर द बेड अदरवाइज वन ऑफ दीज किड्स विल किक इट ओवर इन द मॉर्निंग. बस ये ध्यान रखिएगा कि ये तेल की जो वेसल है कटोरी है इसे बेड के नीचे रख दीजिएगा, अदरवाइज कोई भी बच्चा आएगा वो इसमें सुबह पक्का लात मारेगा. आह अ बैड वुमन, ये भी एक बड़ा अपशगुन है. Whenever Ma left a sentence unfinished, it seems to loom in the air like the ticking of the clock. जब भी माँ जो है इस तरह से कोई अधूरा सेंटेंस बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे मानो वो हवा में जैसे जो घड़ी होती है वो टिक टिक करती है वैसे जो है घूमता रहता था. I wonder why grown-ups always complete their sentence when they are talking about pleasant things, but always leave them unfinished if it is something unpleasant. मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जो बड़े लोग हैं जब भी कोई अच्छी बात कर रहे होते तो सेंटेंस पूरा बोलते हैं, पर अगर क्या कहते हैं कोई भी ऐसी बात होती है जो अच्छी नहीं है तो उसे हमेशा अधूरा क्यों छोड़ देते हैं. लाइक आह अ वुमन्स वेट, ओ थ्री गर्ल्स, देयर इज ऑलवेज अ साइलेंस अबाउट दीज हाफ स्टेटमेंट्स. जैसे आह एक औरत की किस्मत या ये तीन लड़कियां, ऐसा कह के जो है हमेशा आधा स्टेटमेंट बोल के चुप क्यों हो जाती है. There is a bright star in the sky. तभी जो है एक चमकता हुआ तारा जो है वो आसमान में दिखा. Is that the ध्रुव star? क्या ये ध्रुव तारा है? Babu used to say that if I worked hard, I could become anything I wanted, just as ध्रुव becomes a star. Babu कहते थे कि जब भी मैं कड़ी मेहनत करता हूँ या जब मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो मैं भी जो है वो बन जाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ध्रुव तारा जो है वो एक तारा बन गया. बट I can't become a boy, can I? पर मैं लड़का नहीं बन सकती क्या मैं? I once asked obstinately. मैंने एक सवाल एक दिन उनसे किया था. I was surprised at Babu's reaction when he put on a serious look and said sternly. तब मेरे को जो है बड़ा अचंभा हुआ बाबू के रिएक्शन को देख के जब उन्होंने चेहरे पे बड़ी गंभीरता लाई और मुझसे कहा Don't argue with your elders now. अपने बड़ों से बहस मत किया करो. I find it difficult to understand them. मेरे को उन लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है. माई एल्डर सिस्टर सेज वन शुड नेवर ट्रस्ट ग्रोनअप्स बिकॉज इफ दे वांट टू नो समथिंग दे विल प्राइज यू इट आउट ऑफ यू बाय हुक और बाय क्रूक बट दे देमसेल्व्स विल नेवर टेल यू अ थिंग. मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी भी किसी बड़े पे भरोसा मत करना क्योंकि अगर उन्हें तुमसे कुछ जानना है तो वो कैसे भी हो हुक हो क्रूक हो वो जैसे भी होगा वो निकाल लेंगे तुमसे बात, पर अगर तुम उनसे कुछ जानना चाहोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे.